चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबारा और बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9 की केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पदार्थ का अवस्था परिवर्तन लेके आया हूँ। ये आप जान रहे हैं कि ये पहला लेसन चल रहा है, इसका ये कौन सा वीडियो है, ये दूसरा वीडियो है। पहला लेसन जो है हमारा कौन सा है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो ऐसे द्रव्य की जो कुल मूल अवस्था है वो 3 है। कौन कौन से है? ठोस, द्रव और गैस। 2 और अवस्थाओं के बारे में भी जिक्र किया जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में अभी हमको नहीं पढ़ना है। हमको जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, वो द्रव और गैस। यानी ये हम कह सकते हैं कि ठोस, द्रव जो गैस हैं, ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, मूल अवस्था है, मूल अवस्था, ठीक है। यानी कोई पदार्थ इन 3 अवस्थाओं में रह सकता है, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ठोस में कौन कौन से गुण होते हैं और ठोस की परिभाषा क्या होती है, द्रव के कौन कौन से गुण होते हैं, द्रव की परिभाषा क्या होती है, और फिर गैस के बारे में हम लोगों ने। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक पदार्थ की जो कोई अवस्था है वो पदार्थ की दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित होती है और उनको परिवर्तित करने में कौन कौन सी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि अवस्था परिवर्तन के लिए प्रायः भौतिक विधियों और रासायनिक विधियों के दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ हम रासायनिक प्रक्रिया की बात ना करके हम भौतिक प्रक्रिया की बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें अब देख लीजिए क्या है, ताप व दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया द्रव्य की द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ताप के और दाब के प्रभाव से, तो इन दोनों के प्रभाव से क्या होता है, ठोस किसमें बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, द्रव किसमें चेंज होता है, गैस में चेंज होता है, ठीक है। तो इन सब की जो चेंजिंग की प्रक्रिया है उसको कहते हैं अवस्था परिवर्तन, यानी द्रव्य का अवस्था परिवर्तन। अब हम देखते हैं कि कैसे परिवर्तित होता है और कौन कौन से प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है अवस्था परिवर्तन में, ठीक है। तो आपको बता दें मुख्य रूप से 5 प्रकार को ज्ञात किया जाता है, 5 प्रकार से किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। इन 5 प्रक्रियाओं को भौतिक प्रक्रियाएं कहते हैं, क्या कहते हैं, भौतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। अब पहली प्रक्रिया जो है वो आपका है गलन, दूसरी प्रक्रिया जो है आपका जमना, तीसरी प्रक्रिया जो है वाष्पन, चौथी प्रक्रिया हमारी है संघनन, और पांचवी प्रक्रिया जो है हमारा वो है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। तो कितनी प्रक्रिया है, 5 प्रक्रिया। अभी वाष्पन
कि दो और पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक है क्वथन, एक है क्वथन और दूसरा है वाष्पीकरण। यानी क्वथन और वाष्पीकरण दोनों क्रियाओं द्वारा वाष्पन की क्रिया। अब देख लीजिए कि यहां ठोस गल के क्या बन जाता है, यानी ठोस प्रक्रिया। अब यहां देखो, ये जो हमारा दिया गया है ऊपर, हमने जो डायग्राम बनाया है उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं कि आप के पास बर्फ है। कौन सा है? बर्फ, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास? जल है। और तीसरा जो है भाप। ये तीनों, बर्फ जो है ये ठोस अवस्था है, जल क्या है द्रव अवस्था है, और भाप क्या है गैस अवस्था है। अब बर्फ को जब गला देते हैं, यानी बर्फ क्या हो जाता है, गल जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं गलन। तो क्या बन जाता है बर्फ गल के, क्या बन जाता है? जल बन जाता है। देखिए, जब कभी आप आइसक्रीम खा रहे होते हैं और आइसक्रीम आप हाथ में लिए होते हैं, तो परिवार वाले कहते हैं कि बेटा जल्दी से आइसक्रीम खा लीजिए, नहीं तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये गल जाएगा, ठीक है। गल के क्या बन जाएगा? आइसक्रीम अब जल के रूप में हो जाएगा। तो यानी बर्फ में क्या है, गलन विधि द्वारा किसमें चेंजिंग हो जाएगा? जल में। और बर्फ को जब हम, सॉरी, जल को जब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो वहां कौन सी क्रिया होती है? फ्रीजिंग क्रिया होती है। इसलिए कुछ लोग रेफ्रिजरेटर को फ्रिज भी कहते हैं। आप लोग के घर में होगा फ्रिज, आप लोग क्या करेंगे, जल को फ्रिज में रखेंगे, देखते हैं कि कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, जल किसमें बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। तो इसको कहते हैं जमना, ठीक है। यानी जल चेंज हो गया, जम गया किसमें, बर्फ में। यहां देख लीजिए, अब जल का वाष्पन हो गया, वाष्पन हो गया, जल क्या बन गया, भाप बन गया, और भाप का संघनन हो गया, संघनन हो गया, तो क्या हो गया जल में। आप देखते हैं कि गैस की कभी कभी, यानी गैस जब वो वाष्प के रूप में होता है, गैस, ठीक है, गैस वाष्प को ही रूप में होता है, तो वो कभी कभी ऐसा है कि बाहर रख दिए तो गिलास में छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, आपके बूंदे बन जाती है, वो हो जाती है आपकी संघनन, ठीक है। आपको बता दें एक और प्रक्रिया है, ठीक है, कि ठोस सीधे किसमें, गैस में बदल जाता है। ठोस सीधे क्या होता है, गैस में बदल जाता है। तो देखते हैं सबसे कि ठोस को अगर द्रव में चेंज करना हो तो कौन सी प्रक्रिया होगी, गलन प्रक्रिया, ठीक है। और द्रव को पुनः ठोस में बदलना हो तो ये हो जाएगा जमना प्रक्रिया। वही काम द्रव को किसमें चेंज करना हो, गैस में, तो ये हो जाएगी वाष्पन प्रक्रिया। और गैस को किसमें चेंज करना हो, द्रव में, तो ये हो जाएगी संघनन प्रक्रिया। अब आपको बता दें एक और प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन की, जिसमें ठोस बिना अवस्था को, यानी बिना द्रव अवस्था में चेंज हुए, ठोस बिना द्रव अवस्था में चेंज हुए गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे बेटा? ऊर्ध्वपातन। आपने देखा होगा कपूर, कपूर आपने देखा होगा अक्सर पूजा वूजा में आरती लिया जाता है ना, तो कपूर क्या होता है, ठोस होता है। और वो जब कपूर को जलाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, धुआं दे, ठीक है, धुआं उठने लगता है, मतलब कि वो गैस हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है
कि ये पांच प्रक्रियाएं हैं जिसमें, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अब आपको बता दें द्रव्य की अवस्था परिवर्तन पर ताप तथा दाब का प्रभाव, यानी क्या क्या ताप तथा दाब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि आपको हमने बताया था कि अवगति सिद्धांत में यह बताया था, लिखवा नहीं था लेकिन बताया था कि जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये हो गए आपके अणु, ठीक है, ये अणु एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, इनके बीच क्या जो आकाश, इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है उसको अंतरा आकाश बोलते हैं, अंतरा अणु आकाश। या स्थान अंतरालुक स्थान कहते हैं स्थान। ठीक है, और इनकी जो गतिज ऊर्जा, यानी इनके अणुओं में अपनी एक गति ऊर्जा होती है। अगर अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा कम हो, गतिज ऊर्जा कम हो और ये स्थान भी कम हो और अणु एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े रहे तो अवस्था होती है ठोस अवस्था। यानी हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में क्या होगा, अंतराणुक स्थान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आकर्षण बल यानी अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। अधिक का मतलब है कि एक अणु दूसरे अणु को कहीं जाने नहीं देंगे। तीसरा क्या होगा कि गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी अणुओं की गतिज ऊर्जा, ऊर्जा कम होगी। ठीक है, तो ये अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होगी। अब आपको बता दें कि जब ताप में परिवर्तन किया जाता है, मतलब ठोस को जब ताप दिया जाता है यानी गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से इसके अणु जो हो जाते हैं उनकी गति ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है और ये अणु अपनी जगह पे ना रह के इधर उधर, ठीक है, जाना पसंद करेंगे। यानी उनको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि वो अपने स्थान को छोड़कर, ठीक है, दूसरी जगह जाना पसंद करेंगे और ऐसे में जो ये आकर्षण बल है ये कम हो जाता है। और कम हो जाने से, ठीक है, ये क्या किस रूप में बदल जाएंगे, ये आपके द्रव रूप में बदल जाएंगे। ठीक है, और द्रव इसको और भी गर्म कर देंगे, इसको और भी गर्म कर देंगे। ठीक है, तो और भी गर्म कर देंगे तो इसके और पूरी तरह से पदार्थ को छोड़कर वायुमंडल में जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो द्रव से किस अवस्था में, गैस अवस्था में बदल जाता है। यानी आपको बता दें कि ताप क्या करता है, ताप ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को किस अवस्था में, गैस के अवस्था में परिवर्तित कर देता है। कारण क्या है, पदार्थ को गर्म करने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी गर्म करने से क्या हो जाएगा, गर्म करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गर्म करेंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब क्या करता है, बिल्कुल उसका विपरीत होता है। दाब क्या करता है कि जो अणु दूर दूर होते हैं उसको दबाव द्वारा क्या किया जाता है, फिर से जोड़ा जा सकता है। दबाव द्वारा क्या कहते हैं, उसको फिर से जोड़ा जा सकता है और जुड़कर
पुनः वो क्या करते हैं अपने अवस्था में परिवर्तन कर लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि गर्म करने पर द्रव के अणु जो किसमें बदल गए थे, गैस में बदल गए थे, उनको पूरा पुनः क्या करेंगे, दाब के द्वारा उनके ठीक है अणुओं को फिर से जोड़ देंगे, उनके अणुओं को क्या कर देंगे फिर से जोड़ देंगे, और फिर से जोड़ने के बाद वो पुनः अपने किस रूप में द्रव अवस्था में आ जाएंगे। फ्रीजिंग की क्रिया में भी यही होता है कि फ्रीजिंग की क्रिया में द्रव के अणु पास पास हो जाते हैं, और जब द्रव के अणु पास पास हो जाते हैं तो क्या होता है वो ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल आपको इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे जो इसके भौतिक प्रक्रियाएं हैं यानी गलन जमना वाष्पन संघनन और उत्पादन, इन सब के बारे में हम लोग